नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भेजी टेक्निकल। आज आपसे बात करने वाला हूं पैनासोनिक द्वारा लॉन्च किया गया नया प्रोडक्ट जिसका नाम है इलुगा रे 700। रे सीरीज में अब ये इन्होंने दो प्रोडक्ट लॉन्च किया है, 500 एंड 700। हम इस वीडियो में देखेंगे 700 के बारे में, प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा, कब से मिलेगा, क्या डिस्काउंट है, सारी चीज़ें देखेंगे इस वीडियो पे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। आपको बता दें बिग बिलियन डे में आपको ये फ़ोन मिलने वाला है, 21 तारीख से मिलेगा, 12 बजे से सेल है। 9,999 रुपये में इसकी कीमत रखी गई, कमिंग सून का टैग है और यहाँ पे देखने मिला है सेल ऑन मोबाइल स्टार्ट ऑन 1 day 2 hours रिमेनिंग। तो इस समय वीडियो में बना रहा हूँ वहाँ से ये समय बता रहा है आपको 21 तारीख से ये मिलना चालू हो जाएगा बिग बिलियन डे सेल रात को 12 बजे से। तो ये फ़ोन की कीमत काफ़ी बढ़िया रखी गई, इसमें देखिए 13,999 लेकिन 28% का डिस्काउंट देखिए बिग बिलियन डे में, और इसमें 10% और डिस्काउंट मिलेगा अगर आप SBI के कार्ड से ख़रीदते हैं। तो फ़ोन के बारे में आपको बता दूँ फ़ोन में क्या खास बात है, यहाँ पे लिखा है एक्सक्लूसिव ऑन फ्लिपकार्ट के एक्सक्लूसिव है। तो हम इसके फीचर्स देख लेते हैं क्या क्या खास बात है फ़ोन के अंदर। जो सबसे पहले इन्होंने फीचर बताया है वो है कैमरा, क्योंकि सेल्फी फोकस फ़ोन है तो पीछे का रियर कैमरा जो है वो एकदम सिंगल कैमरा ही है जो कि 13 MP का है। फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस के साथ में आता है, 13 MP का IMX258 सोनी का सेंसर दिया गया है जो कि काफ़ी बढ़िया आपकी फ़ोटो वगैरह ले लेगा, और इसके अंदर फ्लैश वगैरह भी दिया गया है। और आगे का भी कैमरा 13 MP का ही है, लेकिन इन्होंने बैटरी की भी बारे में दिखाया गया है, काफ़ी बढ़िया 5000 mAh की बैटरी आपको इस रेंज में मिल जाएगी अच्छे कैमरा और डिज़ाइन के साथ में, जो कि आपका आराम से 2 दिन तक आराम निकाल देगी। और इसके अंदर जो है फुल्ली मेटल बॉडी के साथ में बनाया गया है फ़ोन, तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन और स्लीक मेटल के साथ में बनाया गया, तो वो भी आपको बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है। इसकी रिजोल्यूशन जो है स्क्रीन की फुल HD यानी 1080x1920 की है, तो 5.5 inch की स्क्रीन में आपको फुल HD की रिजोल्यूशन दे रहे हैं, और ग्रिंडिंग गोरिल्ला ग्लास के प्रोटेक्शन के पास साथ में, और 2.5D की कर्व ग्लास भी है, तो ये बढ़िया है प्रोटेक्शन। और एक अच्छी बात भारतीय दर्शकों के लिए कि 2 nano SIM के साथ में आप एक SD कार्ड लगा सकते हैं 128 GB तक बढ़ा करने के लिए, तो आपको डेडिकेटेड SD कार्ड मिल रहा है इसके अंदर। तो ये बहुत ही खुशखबरी है मेरे हिसाब से इंडियन कस्टमर्स के लिए। इसमें एक जो है K क्लास एम्पलीफायर दिया गया है जिसके थ्रू बहुत ही क्लियर और लाउड आवाज़ आएगी, तो आपको वॉल्यूम जो है ट्रैफिक वगैरह में भी आप बढ़िया से सुन सकते हैं। तो एक स्पीकर का भी एक अच्छी इसमें चीज़ दी गई है। आई कैचिंग डिस्प्ले बनाया है क्योंकि 2.5D की जो डिस्प्ले होती है काफ़ी सुंदर सी होती है, कर्व होती है हल्का सी, और इसमें 3 Corning Gorilla Glass 3 की इसके अंदर प्रोटेक्शन है, तो स्क्रैच वगैरह आपको आने की कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर। और आप फिंगरप्रिंट को जो है बहुत ही मल्टीपर्पज़ के लिए कर सकते हैं, ना केवल अनलॉक बल्कि उसको आप होम बटन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेल्फी लेने के लिए बहुत सारे ऐप भी ओपन कर सकते हो, सेटिंग में जाके आप इसको सेटअप कर सकते हैं। क्योंकि एंड्रॉयड 7.0 नॉगट के ऊपर आता है तो मल्टीटास्किंग बहुत इजी, और ये 3GB 32GB के वेरिएंट में ही अवेलेबल है, और आपको बहुत ही खूबसूरत 3 कलर में मिलेगा जिसको शैम्पेन गोल्ड कह सकते हैं आप, दूसरा है मैरिन ब्लू और तीसरा है मोचा गोल्ड। तो इस तरह से 3 कलर आएंगे आपको, आप अपने मनपसंद ले सकते हैं। चलिए मैं इसका फटाफट स्पेसिफिकेशन बता दूँ, थोड़ी डिटेल में आपको पता लग जाएगा प्रोसेसर वगैरह के बारे में। स्क्रीन 5.5 inch की फुल HD की रिजोल्यूशन है, 2.5D की कर्व ग्लास है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन है। मीडिया टेक का ही प्रोसेसर है जो कि 1.3 GHz के ऊपर चलता है, 6753 का प्रोसेसर है, तो गेमिंग वगैरह भी आप खेल लेंगे, मज़ा आएगा खेलने में आपको। इतना हैवी नहीं खेल सकते क्योंकि एक लो लाइन के ही प्रोसेसर यानी मिड रेंज सेगमेंट के प्रोसेसर है, ठीक ठाक है। 3 GB की रैम है आपको, 32 GB की है इनबिल्ट मेमोरी जिसको आप 128 GB बढ़ा सकते हैं एडिशनल SD कार्ड जो कि आपको डेडिकेटेड दिया गया है। 13 MP का सोनी का कैमरा है IMX258 का, और फ्रंट का भी 13 MP का जिसके अंदर फ्लैश दोनों में मिलेगी आगे पीछे, यानी नाइट की सेल्फी आप ले सकते हैं आराम से। बैटरी 5000 की है, 2 दिन आराम से फ़ोन निकाल देंगे एक नॉमिनल यूज़ के लिए। एंड्रॉयड 7.0 के ऊपर है, 3 अलग खूबसूरत कलर में अवेलेबल है। 182 ग्राम वजन है क्योंकि बैटरी हैवी है। आपको 4G सपोर्ट मिलता है दोनों ही सिम पे, डिजिटल कंपास, एम्बिगेंट प्रॉक्सिमिटी एक्सेलेरोमीटर, फिंगरप्रिंट, OTG के भी सपोर्ट है। गायरोस्कोप सेंसर यहाँ पे मिसिंग है जो कि इतना खास यूज़ नहीं होता, लेकिन लोग आज भी उसको चाहते हैं कुछ गेम्स और 360° YouTube वीडियोस देखने के लिए। सिम कार्ड आपको मालूम है डेडिकेटेड है, माइक्रो USB 2.0 की चार्जिंग है, कोई फास्ट चार्जिंग की नहीं है। आपको बॉक्स में क्या मिलता है वो बता दूँ, बैटरी के साथ में मोबाइल मिलेगा यानी बैटरी निकलती नहीं है, तो सिम साइड से आप इसको पिनअप करके निकाल सकते हैं सिम वगैरह लगाने के लिए। USB केबल है, प्रोटेक्टिव स्क्रीन मिलेगी आपको,
लेकिन कोई प्रोटेक्ट केस नहीं है इसके अंदर, तो केस एक चीज़ मिसिंग लग रही है। क्विक स्टार्ट गाइड, ईयरफोन मिलने वाला है आपको, वारंटी कार्ड और सिम इंसर्शन पिन है। अब मैं फ़ोन का आपको डिज़ाइन बता दूँ, अगर आप फ़ोन की डिज़ाइन देखना चाहेंगे तो इस तरह से कुछ आता है। फ्लैश देख सकते हैं आगे, और 13 मेगापिक्सल कैमरा है, 5.5 इंच की फुल HD की ग्लास है। यहाँ पे दो डॉट रखे हैं कैपेसिटी बटन से, बीच वाली होम बटन की तरह काम करती है। बैक साइड में आप देख सकते हैं सिंगल कैमरा और डुअल LED फ्लैश। आपको लगेगा दो कैमरे लेकिन एक ही कैमरा है, और पैनासोनिक और इलुगा की ऐसी ब्रांडिंग दी गई है पीछे। राइट साइड पे आपको दिखा दे कि सिम जगह दी गई है सिम डालने के लिए फ़ोन के लेफ्ट साइड पे था उस सिम वाली, और ये राइट साइड पे वॉल्यूम रॉकर एंड पावर बटन्स है। फ़ोन के ऊपर साइड में आपको 3.5 mm का जैक मिलेगा, और देखिए किस तरह से कर्व डिज़ाइन दी गई, बहुत ही बढ़िया। और नीचे की तरफ आपको देखने मिलेगा स्पीकर, और इसके अंदर USB चार्जिंग पोर्ट है। तो ये सारी चीज़ें हैं डिज़ाइन ओवरव्यू के लिए। आशा करते हैं दोस्तों आपको पसंद आएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा इस लिंक से अगर आप परचेस करना चाहें तो। भाई टेक्निकल देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।